Hello, welcome to the new episode of Journey number 16. अगर आप इजाजत दें तो थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग सी चीज आज थोड़ा क्लास हाथ में लेने की इच्छा कर आई. Here is a class, और इसमें है बहुत पुरानी सजो के रखी हुई शैंपेन जो हमने अभी खोली है. पहले घूट ले लूं फिर बताता हूं क्यों. बहुत ही टेस्टी है. रियली वेरी वेरी एलिवेटिंग वाइन आई वुड से. पर क्यों, क्या हुआ? जैसा मैं कहता रहा हूं, जर्नी में गड्ढे आते हैं, बेडमेंट्स आते हैं, और हुजूर माइलस्टोन्स भी तो जर्नी में ही आते हैं. थोड़ा पास की बात, नॉस्टैल्जिया की बात. बहुत साल पहले, 7-8 साल पहले, जब पहली बार हमने कॉन्क्रीटली यूट्यूब पर अपना कोई वीडियो डाला था, क्योंकि हमें पता चला था यूट्यूब पे हमसे राइट्स लिए बगैर बहुत सी हमारी फिल्में, वीडियो क्लिप्स या वीडियो एपिसोड्स हमारे टेलीविजन के चल रहे थे, जिनका हमें पता भी नहीं था. और जब पता चला तो मुझे खुशी भी होती थी, कोई तो देख रहा है. फिर हमें पता चला कि हम लेजिटिमेटली लीगली अपनी चीज लोगों को, पब्लिक को, व्यूअर्स को दिखा सकते हैं, उनके साथ रिलेट कर सकते हैं. बहुत अच्छा लगा. हमने अपनी एक और फिल्म जो रिलीज भी नहीं हुई थी उसके साथ ये कदम उठाया, प्रयास शुरू किया. फिल्म थी अकेली, 2013 में वो फिल्म लगाई गई. और जब लगाई थी कोई ज्यादा उम्मीदें नहीं थी उससे, बल्कि जब उस पर काम शुरू किया था, अमित झा जो मेरे कॉलीग हैं, जो सारी टेक्निकलिटीज को समझते हैं, तो जब हमने अकेली को लगाने का निश्चय किया तो उस पर काम करना जरूरी था. अमित वॉज समवॉट स्केप्टिकल अबाउट इट. उसने पूरी फिल्म देखी भी नहीं थी एंड ही हैड रिजर्वेशंस, स्लो लगी थी वगैरह वगैरह. बट जब उस पर काम करना शुरू किया, पहले कलर करेक्शन अपने आप किया, फिर सबटाइटलिंग की, तो पूरी फिल्म देखनी पड़ी. तो ही सिंपली ही फेल इन लव विद द मूवी. ये 2013 का वक्त था और फिल्म बनी थी, उसका सेंसर हुआ था 1996 में. तब से फिल्म बाहर नहीं आई थी. बड़े इमोशनली अमित ने अपनी मां की कही हुई एक बात याद दिलाई. उसकी मां कहा करती थी कि 14 साल बाद तो कोई किसी का भी वक्त बदलता है, और शायद यही हुआ हमारी फिल्म के साथ. क्यों? क्योंकि जब अमित ने और मैंने उस पर काम किया, सबटाइटलिंग वगैरह करने के लिए फिर से देखी गई, तो मेरी तो फिल्म थी, तो आई इन एनी केस लाइक्ड इट, बट अमित फेल इन लव विद द मूवी. ही थॉट इट वॉज दैट एरो, ये वो तीर था जो सीधा जाके दिल में लगता था और फिर घूमता था, दर्द पैदा करता था. पर ये दर्द बड़ा मीठा दर्द था, बड़ा प्यारा दर्द था, एक ऐसा दर्द जो याद रहता है. वो असर छोड़ के जाती थी ये फिल्म पोएटिकली. तो जब फिल्म को लगाया और उसके व्यूज बढ़ने लगे, सब्सक्राइबर्स भी बढ़ने लगे, तो हमने अपनी और फिल्में लगाई.
एक एक करके। तब हमें कोई बहुत बड़ी उम्मीद नहीं थी कि इससे, ये फ्रेंकली शुरू में पता भी नहीं था कि इससे धन भी आता पैसा भी आता, और अमित को बड़ा विश्वास था तो, पर मुझे नहीं था। मुझे ऑनेस्टली कहूं तो मुझे पूरा विश्वास नहीं था कैसे आते हैं पैसे। तो पहली बार जब चेक आया तो अमित ने बड़े विश्वास के साथ, आत्मविश्वास के साथ चेक मुझे जो पैसा आया उसकी नोटिफिकेशन आई मुझे दी। उसके आंखों में चमक थी, गर्व की चमक, कि देखिए मैं कहता था ना आपसे, और मुझे बहुत अच्छा लगा। धीरे धीरे हमारे व्यूअर्स बढ़ और हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ते चले गए। हमने कुछ नहीं किया, कभी प्रमोट नहीं किया यूट्यूब को, अपने आप बढ़ते चले गए, जिसे कहते हैं ऑर्गेनिकली। हमारी जर्नी रिजल्ट देती चली गई, हमने कई प्रोग्राम्स बनाए, फिल्में लगाई पुरानी, अपने कुछ सीरियल्स लगाए, कई प्रोग्राम्स किए, सिने मेंटोर किया, हरदिल अजीज किया, फिल्म एसेंस किया, कई कुछ और प्रोग्राम्स भी किए, देसी मोरन किया, कॉमेडी शो, और बढ़ते चले गए। और एक वक्त ऐसा आया कि बहुत अच्छा रिजल्ट भी आने लगा था, फिर कुछ नरमी आई कुछ वक्त के लिए, जब यूट्यूब शायद अपनी पूरे प्लेटफॉर्म को एक तरह की क्लेंजिंग प्रोसेस से गुजार रहा था। और धीरे धीरे देखते ही देखते हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ते गए, और एक पड़ाव ऐसा आया, एक माइलस्टोन ऐसा आया कि उन्होंने हमें एक तोहफा भेजा, हमारी पीठ थपथपाने का तोहफा, हमें रिकग्नाइज करने का तोहफा कि हमारी मेहनत रंग ला रही है। क्या था वो तोहफा? वो तोहफा था दिस, ये सिल्वर प्ले बटन जो यूट्यूब 100,000 एक लाख सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाने के बाद, क्रॉस कर लेने के बाद अपने पार्टनर्स को, यू नो क्रिएटिव, यू नो मेकर्स को देती है, प्रदान करती है। आज हमारे सब्सक्राइबर्स की संख्या 1,04,000 क्रॉस कर चुकी है और बढ़ती जा रही है। बल्कि हमने एक और अपना चैनल भी शुरू किया है जो सिर्फ नॉन फिक्शन प्रोग्राम्स के लिए होता है, वो है विनोद पांडे इंफोटेनमेंट। उसमें हम ये जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं जर्नी और फोर फिंगर्स फार्मूला, ऐसे प्रोग्राम करते हैं। जो हमारा मेन चैनल है वो है विनोद पांडे एंटरटेनमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें एंटरटेनमेंट की चीजें होती हैं, जिसमें हम 1,04,000 क्रॉस कर चुके हैं, और आगे हम अब मेहनत के साथ प्रोग्राम्स तैयार करने में, बनाने में लगे हैं। कल ही हमने अपने पॉड शो की रिकॉर्डिंग की शुरुआत की, इब्तिदा की। प्रोग्राम है थोड़ी सी मोहब्बत थोड़ी सी शरारत, बहुत बढ़िया प्रोग्राम है, दिल को छूने वाला प्रोग्राम है, शायद उस पर कभी एक फिल्म या सीरीज भी बने। फिर इसी तरह से मेरा एक तीसरा नॉवल है जिसका टाइटल है मिनिस्टर्स मिस्ट्रेस, उसके पब्लिकेशन की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि नॉवल पूरा हो चुका है, और मैं ऑलरेडी अपना चौथा नॉवल बियॉन्ड फ्रंटियर्स, जो कि इंडियन डायस्पोरा के बारे में है, उस पर काम कर रहा हूं, वो भी करीब 300 पेज लिखा जा चुका है। हमारा एक वेब सीरीज है हमारी ऑब्सेशंस, उसका पायलट एपिसोड तो हम पहले ही लगा चुके हैं अपने मेन चैनल पर, बल्कि एक और एपिसोड कंप्लीटली रेडी है, थोड़ा और काम भी हो चुका है एक और एपिसोड पे, पर आगे जो एपिसोड्स हैं उनकी शूटिंग शुरू हो रही है। इसी तरह से हमारी जो फिल्म है जो कुछ वक्त पहले तैयार हुई थी अंडरटेकर, जिसका ट्रेलर यूट्यूब पे डाला जा चुका है, और जो MX प्लेयर नाम के OTT प्लेटफॉर्म पर लगी थी, पर कुछ भारत सरकार के, गवर्नमेंट के कुछ रेगुलेशंस के तहत उस पर कुछ दिन के लिए रोक आई है,
तो अब वो स्टेज भी आ गई है कि अब हम दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर भी उसे डालें. टू बिगिन विद विल सून पुट इट ऑन आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म बट इन द बिगिनिंग ओनली फॉर इंडिया, इंडियन सबकॉन्टिनेंट के लिए, क्योंकि बाहरी दुनिया के लिए, वर्ल्ड वाइड के लिए ऑलरेडी हमारी कुछ बहुत ही लीडिंग प्लेटफॉर्म से बात चल रही है, इसलिए हम इसको लिमिटेड रिलीज इसका करेंगे. अभी हमारी जर्नी चल रही है, हम हमारी छोटी सी टीम है पर बड़ी मुस्तैक टीम है और हम पूरे डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं. कहाँ के लिए बढ़ रहे हैं? क्योंकि हमारी नजर अब गोल्डन प्ले बटन पर है जो कि 10 लाख व्यूअर्स के बाद दिया जाता है. वी होप टू अचीव दैट सून ऑफ कोर्स, बट वी नीड यू टू बी विद अस, वी नीड योर ब्लेसिंग्स, वी नीड योर पार्टिसिपेशन एंड सर्टेन अमाउंट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एज वेल. यू एज अ व्यूअर आर इम्पॉर्टेंट फॉर अस, वी हैव अ लॉट टू ऑफर टू यू, इट विल बी अ ग्रेट पार्टनरशिप. We welcome you to keep an eye on us in this very creative journey that we have embarked upon. Ek baar bahut important hai bhai, sabko humne keh diya, champagne bhi pee li, par champagne peene ke asli haqdaar hum tab hote hain jab hum aapka, hamare subscribers ka dhanyawad ada kare. Thank you, subscribers. Your pat on our shoulders is very important to us. It really opens a great path for us. Grateful of you. Let me have another drink for that, another sip for that. To you, our subscribers.